हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ मिक्स भुजिया की रेसिपी। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाई हूँ और क्या क्या सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिए हैं थोड़ी सी बीन्स, फूलगोभी, शिमला मिर्च, गाजर। ये सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरीके से धो के कट कर ली हूँ। कट करने के बाद देखिए कढ़िया को रख दिए गर्म होने के लिए। आप अगर आलू खाते तो यहाँ पर आलू ऐड कर दे, वो भी बहुत अच्छे लगते। तो मैं यहाँ पर आलू ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि आलू ऐड करने से जो गाजर की जो टेस्ट है वो थोड़ी सी वो हो जाते हैं। लेकिन ये मुझे भाजा जो है, मतलब जैसे आलू भुजिया और करेला का भुजिया बनाते हैं उस टाइप से ये बनती है बिल्कुल, और बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में, खास करके ये रोटी और पराठा के साथ खाइए। तो यहीं पर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया जीरा। यहीं पर मैं डालूँगी एक सूखी मिर्च। तो यहाँ पर मतलब आप कुछ भी, मतलब सब्ज़ी में कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, अपने मनपसंद जो सब्ज़ी आपको अच्छा लगे वो सब्ज़ी ऐड कर ले। लेकिन कभी इस तरीके से बनाइए फूलगोभी, शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर की, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़ी मीठी मीठी इसकी जो फ्लेवर है, मीठी मीठी आती है, तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। और ये सब्ज़ी जो है, मतलब भाजा जो है, रोटी या फिर पराठा के साथ ही अच्छे लगते हैं, चावल के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। क्योंकि इसमें गाजर की जो मात्रा है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हूँ, क्योंकि इसमें सब्ज़ी में थोड़ी सी मीठापन की जो फ्लेवर आएँगे गाजर की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरीके से तड़के को लाल होने दी हूँ। अब जितनी भी सब्जियाँ हैं वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया आलू बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। अगर आप आलू खाते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आलू ऐड कर ले। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैं सारा छौका लगा दी हूँ, और थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ में मैंने कट किए थे, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट करोगे तो सब्ज़ी वो बिल्कुल वो मिल जाते हैं, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या खा रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में ही मैंने सब्जी को कट करके रखी थी। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देती हूँ, ताकि इसको मतलब थोड़ा सा गलने के लिए। अब इसमें मैंने अभी तक कोई मसाले वसाले नहीं डाले, नमक वगैरह। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गलाने के बाद मैं यहाँ पर नमक डालूँगी, और मसाले में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस टेस्ट के हिसाब से नमक मैंने डाला है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी कलर के लिए, और खाने वाली चम्मच से आधी चम्मच मिक्स मसाला मैं ऐड करती हूँ, ताकि जो थोड़ी सी ना सब्जियों में थोड़ा चटपटापन आ जाए। तो आप चाहें तो इसके जगह पे आप यहाँ पे मतलब थोड़ा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, मतलब धनिया पाउडर और थोड़ी ब्लैक पेपर वगैरह डाल लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई सब्ज़ी नहीं भी डालते उसके अलावा भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ क्योंकि जैसे आप आलू का भुजिया भूजते हो उस टाइप से अच्छे लगते हैं ये, और बहुत ही अच्छे लगते सब्जी ये। आप थोड़ा मतलब इसमें मसाले की जो मात्रा बिल्कुल हल्का रखें तो बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। तो मैंने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए थे बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं आधा टमाटर ऐड कर रही हूँ, तो मसाले मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, बस थोड़ा सा मतलब आप खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच मिक्स मसाला, हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर देती हूँ, और कवर करने के बाद मैं इसको पकाऊँगी अच्छी तरीके से। गैस को मैंने मीडियम ही रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और अच्छी तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसको लाल करना है, मुझे सब्जियाँ अच्छी तरीके से पक गए हैं और मुझे लाल करना है इसको चला के कुछ देर तक। तो मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहती हूँ, ताकि कोई सब्ज़ी चिपके ना। और देखिए सारे जितने भी सब्जियाँ थे सारे खड़े खड़े थे और बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा धनिया पत्ता, इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। और गाजर और देखिए अच्छी तरीके से सीझ गए हैं, मतलब पक गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और एकदम खड़े खड़े आलू भाजा, आलू भाजा के जैसे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो बेल आइकन दबाना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।